अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद अलिया। तो अभी व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 6:15 का टाइम हो रहा है शाम के, और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और इसके बाद मैंने बनानी है नूडल्स। मुझे लग रही थी हल्की फुल्की सी भूख, तो मैंने अपने लिए बनाई है नूडल्स। इनसे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं हो सकती। मुझे बहुत हल्की सी भूख, बस कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा था। मैंने कहा नूडल्स से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं हो जाती, तो फिर मैंने नूडल्स बनाए। और अभी टाइम हो गया 6:30 का, नूडल्स वगैरह खा लिए मैंने, और अभी मैं फारिग थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। अच्छा गाइस, मुझे आप एक बात बताएं, ठीक है, कि आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, और जो है शेयर क्यों नहीं करते, ठीक है, एक बात बताइएगा। और एक और बात ये भी बताइएगा कि किस किस को नूडल्स पसंद है, और कौन कौन से पसंद है, कनोर, मैगी, शूप्स, कौन कौन से नूडल, ग्रीन वाले, रेड वाले, ठीक है। मुझे तो रेड वाले बहुत पसंद है, खटे खटे नूडल। और वीडियो को लाइक कर दिया करो। की जाता ताड़ा एक इंच इंच बटन दबान, की जाता ताड़ा साढ़ा कुछ बन जाएगा, तो क्यों सड़ दो, एक लाइक का बटन दबा दिया करो। ज़्यादा मसला होता है रिश्तेदारों, वो लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक कर देंगे। लेकिन चलो क्या कहना, जब कामयाबी मिलनी है, अल्लाह ने जब चाहा तभी मिलनी है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये भी बताइएगा आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है। आगे मैं शुरू करूँगी ईद सीरीज, क्योंकि आ रही है बकरा ईद, ईद सीरीज शुरू करेंगे। ड्रेस डिज़ाइनिंग होगी, बकरे होंगे, उसमें मेकअप होगा, और होंगे जी बड़ी मज़े की चीज़ें होंगी, ठीक है जी। तो अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, जो है ये बोनी का टोनर, जो कि मेरा फेवरेट हो गया है नाउडेज, ठीक है। अगर तो आपकी स्किन पे एक्ने है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, ठीक है। पहले मैं बता दूँ, कंपनी नेम है बोनिक, इसमें है टी ट्री फेस टोनर है, ठीक है जी। एक्नी ट्रीटमेंट विद एसेंशियल विटामिन एंड टी ट्री एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। 100 ml प्रोडक्ट है, और उसकी प्राइस पता नहीं 150 और कुछ है, या पता नहीं क्या, वो अभी सही तरह मुझे याद नहीं है। ये मेट्रो से मैंने लिया था, इतना अच्छा टोनर है, एक्नी के लिए, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपने जब भी यूज़ करना है, यूज़ करने का तरीका है, आपने फेस को वॉश किया, टोनर जो है स्प्रे किया, इसको वेट होने दिया, ड्राई हो, फिर मॉइस्चराइजर लगा लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, बहुत मज़े के हैं, ठीक है। इसमें है, यूज़ करने का मेथड भी बताया है आपको, इंग्रेडिएंट्स भी बताए हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, टी ट्री लीव एक्सट्रैक्ट, ग्लैसरीन, ऑर्गेनिक अल्कोहल, कैप्रोलिल ग्लाइकोल, टी ट्री फ्रेग्रेंस, रिकमेंडेड बेस्ट फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ठीक है, नॉर्मल। ये इतना अच्छा, मैंने बस उधर मेट्रो में पड़ा हुआ था, मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने इसको जब यूज़ किया, इतना अच्छे रिज़ल्ट थे इसके, इतना अच्छे रिज़ल्ट थे, मैंने कहा चलिए आपके साथ। आपने अगर मेट्रो वाला व्लॉग देखा है, तो उसमें आपको पता होगा मैं ये टोनर लाई थी, मैंने कहा था यूज़ करके आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने इसको यूज़ किया, मेरे फेस पर एक पिम्पल था, वो जो है मैंने इसको 2 दिन यूज़ किया तो वो बैठ गया पिंपल, जो मेरे एक्नी मतलब स्कार्स या जो होते हैं डार्क स्पॉट्स एक्नी के, वो इतने लाइटन हो गए थे, इतने लाइटन हो गए थे, मैंने कहा ये तो कोई मैजिक है। इसको जब भी आपने यूज़ करना है, इस तरह शेक करके यूज़ करना है, ताकि जो टोनर है वो एक्टिव हो जाए, एक्टिव टोनर हो जाए, ठीक है। इतना अच्छा रिजल्ट, फेड आउट हो गए थे बिल्कुल मेरे डार्क स्पॉट्स, ठीक है। आप लोग भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल रिकमेंडेड है, 100%, बहुत अच्छा टोनर है। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें और भी बहुत से जो है फ्लेवर्स है, आप अपनी स्किन के हिसाब से जो है चूज़ कर लो। मैंने ये वाला यूज़ किया क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन है, ठीक है जी। क्योंकि थोड़ी सी हवा हल्की हल्की चल रही है, और ब्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।